तब मौजूद है राजस्थान लोक सेवा आयोग में, और राजस्थान लोक सेवा आयोग में धारा 144 लगी हुई है, और पहली मर्तबा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने धारा 144 तोड़ने की कोशिश की है। किस कारण से धारा 144 को तोड़ने की कोशिश की है? आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय नेशनल काउंसिल की मेंबर कीर्ति पाठक और अजमेर संभाग की प्रभारी हैं, वो यहाँ पर धरने के ऊपर इस वक्त बैठी हुई हैं। क्यों बैठी हैं, इन्हीं से हम जान लेते हैं। क्या हुआ मैडम आज यहाँ पर, आप किस कारण से धरने पर बैठे? सुनिए, जैसे आपको पता है कल हम लोग जो सामने प्रदर्शनकारी छात्र शिक्षक बैठे हुए हैं उन लोगों से मिलने आए थे, और उनसे वादा किया था कि कल हम यहाँ के सेक्रेटरी जो हैं उनसे हम बात करेंगे आपके बारे में कि आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। तो आज हम 4-5 जने आए और आकर के ये स्वागत कक्ष में जाकर के अपने मिलने का समय मांगने लगे। तो मेरे को किसी ने उनका नंबर दे दिया गुप्ता जी का, तो मैंने गुप्ता जी को डायरेक्टली फ़ोन करके उनसे बात करने की कोशिश करी, और मैंने उनसे पूछा कि गुप्ता जी हम आपसे 5 मिनट का मिलने का समय मिल सकता है क्या? तो बोले किस संदर्भ में? मैंने कहा बाहर जो सामने वो बेरोज़गार वो बैठे हुए हैं शिक्षक। तो उन्होंने कहा इस मामले में हम किसी से कोई बात नहीं करेंगे। मैंने कहा प्लीज़ आप मतलब एक बार मिल तो लीजिए। उन्होंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद मैंने उनको 5 बार कॉल किया था टोटल, एक बार मेरी बात हुई है। उन्होंने फ़ोन काट दिया, उसके बाद उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर किसी ने दीपक उप्रेती जी का नंबर दिया, उनसे मैंने बात करी, तो उन्होंने कहा मैडम मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ उसमें मीटिंग्स वगैरह में। तो मैंने कहा सर कोई भी टाइम दे दीजिए, हम उस टाइम आकर के आपसे मिल लेंगे। इस पर उन्होंने बोला कि किस संदर्भ में? मैंने उनको वही बात बताई कि सामने जो बिरोध। तो बोले मैडम इसके बारे में तो आपको सेक्रेटरी साहब से ही मिलना पड़ेगा। मैंने कहा मैं उनसे मिलने की बात कर चुकी हूँ, उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि इस संदर्भ में मैं किससे नहीं मिलूँगा। तो प्रीति जी का कहना था इस मामले में आपको उनसे ही मिलना पड़ेगा, ये कहकर के उन्होंने भी फ़ोन बंद कर दिया। अब आप बताएं एक आम नागरिक के पास और क्या चारा रह जाता है अपनी बात कहलवाने को? हम इधर बैठेंगे ना। अच्छा, फिर उसमें से कुछ व्यक्ति जो इधर खड़े हुए एक जिम्मेदार व्यक्ति थे, उन्होंने बोला ऐसे तो रोज़ ही होता रहेगा, कब तक चलेगा? मतलब ये है कि हमारी, क्योंकि किसी ने ये और बोला देखते हैं कब तक बैठे रहेंगे, वो बैठे रहने दो, कौन सुनता है उनकी, कब तक बैठे रहेंगे, ये वाला एटीट्यूड अब नहीं चलेगा। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी बात रखता है तो जो जनसेवक हैं उनका ये कर्तव्य होता है कि वो बात सुने, उनको बात सुननी पड़ेगी। वो लोग शालीनता से अपने धरने पर बैठे हुए हैं, इन लोगों में अगर थोड़ी सी भी समझदारी होती कि ये एक जनता के टैक्स के पैसे से चलने वाली गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के जो भी अधिकारी हैं ये उनकी ड्यूटी है कि उन लोगों से बात करें, उनकी समझाइश करें और उनको धरने से उठाएं। ये करने में वो लोग बिल्कुल क्या है, नेतागिरी, अफसरगिरी, ये सब चीज़ें जो हावी हो गई है ना, इन चीज़ों को बंद करना पड़ेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, और पहली मरतबा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस तरीके से धारा 144 तोड़ने की कोशिश की है। कई लोग सवाल भी आपसे बाद में भी करेंगे और अभी भी कर रहे हैं कि 144 तोड़ने की कोशिश क्यों, महिला होने का फ़ायदा यहाँ पर उठा रही है। नहीं नहीं, मैं कोई भी धारा तोड़ने की उसमें नहीं हूँ। जैसे ही हमें पता चला हमने सब लोगों को बाहर भेज दिया है, मैं अकेली यहाँ बैठी हूँ। एक अकेला व्यक्ति अगर मिलने की गुहार लगाता है तो मेरे ख्याल से ये धारा 144 तोड़ना नहीं, और अगर तोड़ रही हूँ मैं तो प्लीज़ उठवा दीजिए, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन मैं अपने जाने ऐसा कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आम आदमी की आवाज़ आम आदमी ही उठाएगा। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी नाम नहीं लेना चाह रही हूँ इधर, चाहे मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। आज अगर मैं इस पार्टी से मतलब संबद्ध भी नहीं होती और ये लोग मेरे को कॉन्टैक्ट करते तो डेफिनेटली मैं उनकी आवाज़ उठाने की कोशिश। चेयरमैन नहीं मिलेंगे अगर तो आज यहीं रहेंगे या क्या आगे की क्या रणनीति रहने वाली? देखिए रणनीति तो कुछ नहीं, ये जो बाहर बच्चे हैं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके लगातार कांटेक्ट में रहूंगी, और जो वो लोग सब जने मिलकर डिसाइड करेंगे वैसा ही होगा। कोशिश यही है कि जब तक ये लोग ना मिलें हम यहाँ बैठें, मैं ऐसा चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोग को जवाबदेह तो होना ही पड़ेगा, इनको जवाबदेही इनकी बनती है। तो अगर आप मतलब आप इस ऐंठ में कैसे रह सकते हैं कि इनके बारे में हम किसी से कोई बात नहीं करेंगे और मिलेंगे नहीं, ये कौन सा जवाब हुआ? इनको एक बार मिलना तो पड़ेगा। मुख्यमंत्री से भी इस मामले की कोई शिकायत या गुहार? गुहार तो नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे तो बोल दिया है कि सारे भर्ती जो हैं प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, सारे रिजल्ट आउट हो चुके हैं, और जो कि सामने ये बैठे हुए जुटला रहे हैं उनके ट्वीट को। एक तो ये है, मुख्यमंत्री जी अगर संज्ञान लें और बोलें तो बिल्कुल गुहार है उनसे, क्योंकि हमने उनको चुन करके भेजा है वहाँ पर, तो उनसे अथॉरिटेटिवली भी बोला जा सकता है, उनसे गुहार भी लगाई जा सकती है कि आप कम से कम अपने देश के नागरिकों को, अपने प्रदेश के नागरिकों की तो हेल्प कीजिए, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनको उठाने की कोशिश तो कीजिए, और हर चीज़ सकारात्मक करके शायद हमारी राजनीति और अच्छी जाएगी।
तो यहाँ से आरपीएससी से लगभग 300 मीटर की दूरी पर कुछ अभ्यर्थी हैं जो धंधे के ऊपर लगातार 25 दिन से बैठे हुए हैं। उन्हीं की मांग को लेकर जो आयोग के चेयरमैन हैं उनसे मिलने के लिए आम आदमी पार्टी की अजमेर संभाग प्रभारी कीर्ति पाठक यहाँ पर आई थी, और जब उन्होंने मिलने से साफ तौर पर मना कर दिया तो वो यहाँ पर धरने पर बैठ गई हैं। खैर, अब देखना होगा कि आयोग के अध्यक्ष इनसे मिलते हैं या नहीं।